कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था, न्यूट्रिशन इम्प्लांट्स हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था पिछली क्लास में। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बच्चों, जितने भी एनिमल्स हैं सबको उनके फूड हैबिट्स के हिसाब से, फूड हैबिट्स के बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया गया है तीन पार्ट्स में। ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। वो कौन कौन सा फूड इनटेक करते हैं, कौन कौन सा फूड वो खाते हैं, उस बेसिस पे उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले एनिमल्स हैं हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स वो एनिमल होते हैं बच्चों जो सिर्फ प्लांट मैटर्स खाते हैं। दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स, फॉर एग्जाम्पल काउ, गोट, शीप एट्सेट्रा। उसके बाद से होते हैं बच्चों कार्निवोर्स। कार्निवोर वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं। दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोर बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, फ्रॉग एट्सेट्रा। फ्रॉग भी तो इंसेक्ट को खाता है बच्चों, तो उसको हम लोग कार्निवोर कहते हैं। तीसरे आते हैं ऑर्गेनिज्म ओमनीवोर्स। तीसरे एनिमल्स हैं ओमनीवोर्स, तो ऐसे एनिमल जो कि मीट भी खा सकते हैं और साथ ही साथ प्लांट्स भी खा सकते हैं। दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, बियर, एंट एट्सेट्रा। तो बच्चों ये एग्जाम्पल हैं, ये फूड हैबिट्स के बेसिस पे एनिमल्स को तीन तरह से डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं बच्चों कि जो एनिमल में न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि आप लोगों ने पहले जाना था। होलोजोइक न्यूट्रिशन में फाइव स्टेप्स होते हैं, उन फाइव स्टेप्स के बारे में वन बाय वन हम लोग जानते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का या फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पाँच स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है बच्चों इंजेशन। इंजेशन का मतलब बच्चों टेकिंग इन फूड, फूड को अंदर लेना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। कोई एनिमल है जो कि फूड को अपनी बॉडी में लेता है तो उसको हम लोग इंजेशन कहते हैं। जैसे कि हम ही लोग हैं, कोई रोटी ही खा रहे हैं तो सबसे पहले कहाँ लेंगे बच्चों, माउथ में आएगा, उसके बाद से हमारे बॉडी में जाता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाया, इंजेशन। अगला प्रोसेस है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब बच्चों द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इन टू ए स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो बच्चों डाइजेशन क्या है, जो हमारा फूड होता है उसमें स्टार्च होता है, प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े, जैसे कि स्टार्च मैंने अभी अभी बताया, फैट होता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कहने का मतलब है कि फूड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को तोड़ने की जो प्रोसेस है सिंपल सब्सटेंसेस में, उसको हम लोग कहते हैं डाइजेशन। अगला प्रोसेस है बच्चों एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स दैट कि उसको एब्जॉर्ब करना फूड को। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इन टू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब बच्चों कि फूड जब डाइजेस्ट जब हो जाता है तो फिर वो इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन में जब वो जाता है तो इंटेस्टाइनल वॉल से वो फूड क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इंटेस्टाइनल वॉल से उस फूड को एब्जॉर्ब करके और डायरेक्टली उसका ब्लड स्ट्रीम में उस उन न्यूट्रिएंट्स को मिल जाता है वो अपने आप। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है बच्चों वो होता है एब्जॉर्प्शन, फूड को इंटेस्टाइन से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेना। अगला प्रोसेस है बच्चों एसिमिलेशन। द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी। मतलब बच्चों कि वो प्रोसेस जिसमें कि जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका है उसको बॉडी सेल्स के द्वारा लेना और फिर उसको एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए या फिर रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल करना कहलाता है एसिमिलेशन। मीन्स दैट कि जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स है बच्चों जो कि इंटेस्टाइनल वॉल से एब्जॉर्ब हुए हैं उन, और जो ब्लड स्ट्रीम में मिल गए हैं, अब उनको बॉडी सेल्स क्या करेंगी, सेल्स उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब, उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करेंगी ताकि सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, सेल में ग्रोथ हो सके, सेल में रिपेयरिंग हो सके। तो इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा उन न्यूट्रिएंट्स का। तो ये प्रोसेस कहलाती है एसिमिलेशन। और लास्ट
लास्ट प्रोसेस है बच्चों इजेशन, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। बच्चों क्या होता है कि जो हम फूड इंटेक करते हैं, जो भी फूड हम लोग खाते हैं, तो पूरा का पूरा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उस मान लीजिए कि प्लांट मैटर हम लोग खा रहे हैं, कोई मान लिया जाए कि गेहूं ही खा रहे हैं या फिर कोई सब्जी खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं, तो उसमें बच्चों अदर ये जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने वाले होते हैं, उसके अलावा भी उसमें थोड़ा सा सेलुलोज भी पाया जाता है। प्लांट्स में सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो भी पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी द्वारा एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ सिर्फ सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, और इसीलिए हमारी बॉडी में जब वो सेलुलोज आता है तो वो बिना किसी डाइजेशन के वो रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से। क्लियर हो रही है बात? तो वो हमेशा अनडाइजेस्टेड रह जाता है। तो हमारी जो ये जो बच्चों इजेशन की जो प्रोसेस है वो क्या है कि हमारी बॉडी में जितना भी फूड हमने खाया पूरा का पूरा नहीं एब्जॉर्ब हो पाता, सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं एब्जॉर्ब हो पाते, इसी के चलते क्या होता है कि कुछ फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है। पूरा फूड डाइजेस्ट नहीं होता तो कुछ फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है, और उसी फूड को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं इजेशन। तो बच्चों क्लियर बात हो रही है? अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है बच्चों? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है जिसका लेंथ फिक्स नहीं कर रहता, उसका सेल का जो शेप है बच्चों वो फिक्स नहीं रहता, वो चेंज करता रहता है क्योंकि उसका सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। तो अब बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए, इसमें भी चूंकि ये एनिमल है तो इसमें भी ये सारे प्रोसेसेस होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इजेशन की। तो अमीबा क्या करेगा इजेशन? चूंकि बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है तो क्या इंजेस्ट करेगा बच्चों? बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म। इट इंजेस्ट्स फूड बाय यूजिंग इट्स स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मीन्स दैट बच्चों कि मान लिया जाए कि ये कोई अमीबा है, मान लिया जाए ये कोई अमीबा है जिसका ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है? तो ये अमीबा है तो क्या करेगा बच्चों कि जैसे ही कोई फूड पार्टिकल यहाँ पे आएगा इसके पास में, ये अपना जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बढ़ाएगा, सेल मेम्ब्रेन बढ़ाएगा और उसको क्या कर लेगा, उस फूड को ट्रैप कर लेगा। ये क्या है बच्चों? फूड है, उस फूड को ये क्या करेगा, अपना सेल मेम्ब्रेन बढ़ा के और उसको ट्रैप कर लेगा। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन जो बढ़ता है बच्चों, इसी को हम लोग फॉल्स फिट कहते हैं या फिर स्यूडोपोडिया कहते हैं। पोडिया मीन्स फिट होता है और स्यूडो मीन्स फॉल्स होता है। तो फॉल्स फिट या स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये फूड को ट्रैप करता है। ये ट्रैप कर सकता है स्मॉल बैक्टीरिया या फिर ट्रैप कर सकता है स्मॉल अमीबा, ठीक ना? तो ये सब चीज़ें वो ट्रैप कर सकता है। फूड गोज इनटू द फूड वैक्यूल। बच्चों ये जो फूड को जब स्यूडोपोडिया की हेल्प से ट्रैप करेगा तो यही बन जाता है फूड वैक्यूल। ये क्या बन गया बच्चों? फूड वैक्यूल, ये बन गया फूड वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 में। तो ये फूड वैक्यूल बन गया और यही फूड वैक्यूल उसके लिए स्टोमक का काम करेगा। द वैक्यूल एक्ट्स एज स्टोमक ऑफ एन अमीबा, और यही फूड वैक्यूल जो बना है वो स्टोमक का काम करेगा। तो बच्चों एक बात यहाँ से क्लियर हो रही है कि जिस फूड को वो ट्रैप करेगा वहीं पे स्यूडोपोडिया जब इंक्रीज करेगा फूड को ट्रैप करेगा तो वहीं पे एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा और वही वैक्यूल उसके स्टोमक का काम करेगा। मीन्स दैट कि फूड का डाइजेशन अब उसी वैक्यूल में होने वाला है। तो बच्चों अगला प्रोसेस है डाइजेशन। अब क्या होगा बच्चों कि फूड का डाइजेशन उसी वैक्यूल में होगा। कैसे होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू ए स्मॉल एंड सोलिबल मॉलिक्यूल्स। अब जैसे ही बच्चों वैक्यूल में फूड है तो वहीं पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेट हो जाएंगे उसमें और फूड का ब्रेक डाउन कर देंगे। फूड जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो टूट जाएगा सिंपल मॉलिक्यूल्स में और फिर क्या होगा बच्चों? उसी फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। तो अगला प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। दिस ब्रेक डाउन फूड इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इन द साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन, और ये साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा डायरेक्टली। जितना फूड डाइजेस्ट हुआ वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगला प्रोसेस है बच्चों एसिमिलेशन।
ए पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब फूड इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है बच्चों साइटोप्लाज्म में उसका कुछ पार्ट क्या होगा, एनर्जी ऑब्टेन करने में यूज हो जाएगा, उस सेल की एनर्जी के लिए यूज हो जाएगा, एंड रिमेनिंग इज यूज टू मेक पार्ट्स ऑफ अमीबा, और जो बचा हुआ एनर्जी रहेगा, जो बचा हुआ जो एब्जॉर्ब फूड रहेगा वो उस अमीबा की पार्ट्स को रिपेयर करने में लग जाएगा। अब अगला प्रोसेस है बच्चों कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसका क्या, एसिमिलेशन। अगला प्रोसेस है इजेशन। व्हेन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट्स इनसाइड अमीबा, मतलब कि अमीबा खाता रहा कुछ एक कंसिडरेबल अमाउंट में कुछ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल अगर कलेक्ट हो जाएगा तब क्या होगा, देन इट्स सेल मेम्ब्रेन सडनली रैप्चर्स, उसका सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, सडनली कहीं से टूट जाएगा, रैप्चर्स मतलब ब्रेक हो जाना, एंड अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स आउट फ्रॉम द सेल, और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा बच्चों वो सेल से बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों यही होता है अमीबा में जो न्यूट्रिशन है वो। ऐसा ही एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म एक और भी है बच्चों जिसका नाम है पैरामेसियम। पैरामेसियम की स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा। पैरामेसियम भी एक ऐसा ही ऑर्गेनिज्म है बच्चों। वो ऑर्गेनिज्म का थोड़ा मैं डायग्राम इस तरह से बना दे रहा हूँ, इस तरह का कुछ होता है और इसकी बॉडी के ऐसे बाहर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये हेयर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को बच्चों हम लोग कहते हैं सिलिया, ठीक है, सिलिया। तो ये सिलिया की हेल्प से क्या करता है कि कोई भी फूड मटेरियल मान लो कि यहाँ पे आ गया तो इसी सिलिया की हेल्प से वो क्या करेगा कि उस फूड को अपने अंदर लाएगा, और फूड एक बार अंदर चला गया तो फिर से फूड वैक्यूल बन जाएगा और पूरा का पूरा प्रोसेस अमीबा की तरह ही इसमें होना शुरू हो जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है बच्चों कि बाय द हेल्प ऑफ सिलिया प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी दे इनगल्फ फूड इनटू देयर माउथ एंड आफ्टर दैट प्रोसेस इज सेम एज अमीबा। तो बच्चों क्या होगा कि ये सिलिया की हेल्प से अपने माउथ में या ये कहें कि अपनी बॉडी में फूड को इंटर कराएगा और उसके बाद से पूरा का पूरा प्रोसेस अमीबा की तरह ही करेगा। तो बच्चों ये बातें हो गई, हम लोगों ने कर लिया क्या क्या बातें, एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है उसकी बातें कर ली, होलोजोइक न्यूट्रिशन की बातें कर ली, अमीबा और पैरामेसियम में भी न्यूट्रिशन की बातें कर ली। अब हम लोग कल बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स।